विगत कई वर्षों से गोंदिया शहर में कुछ लोगों द्वारा सुअर पालन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सुअर लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, जिससे पूरे गोंदिया शहर में गंदगी का वातावरण बना हुआ है। कई बार यह सुअर घरों में भी घुस जाते हैं और पूरे गोंदिया वासियों को इस गंदगी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर हमने पार्षद और प्रभाग क्रमांक 17 से पार्षद नीलिमान दिलीप मिश्रा इनसे मुलाकात की। उन्होंने इस समस्या के बारे में बीसीएन न्यूज चैनल को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ये लोग इस समस्या को लेकर कई वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन गोंदिया शहर नगर परिषद का प्रशासन इस पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। मैं अभिषेक भटनागर, इन बीसीएन न्यूज चैनल से गोंदिया जिला प्रतिनिधि। हमारे सामने निर्मला मिश्रा मैडम जो पार्षद है वार्ड क्रमांक 17, हम इनके पास में एक समस्या लेके आए हैं। जो गोंदिया शहर में लावारिस सुअर घूम रहे हैं, इन सुअरों के मामले में हम मैडम से एक चर्चा करना चाहते हैं। मैडम, आप ये लावारिस सुअर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं प्रभाग क्रमांक 17 से पार्षद निर्मला मिश्रा। मैं 9 साल से इस सवाल को लेके नगर परिषद के हमारे जितने भी मीटिंग हुई उसमें मैंने हमेशा प्रस्ताव रखा कि गोंदिया को सुअर मुक्त किया जाए। लेकिन और फिर मैं इसके बाद में जब गुगे साहब गोंदिया में आए तो मैं इस प्रस्ताव को फिर से रिपीट किया। गुगे साहब कौन थे? गुगे साहब सीओ थे गोंदिया में, सिर्फ 1 महीने के लिए आए थे नगर परिषद के, नगर परिषद में। उनके जैसा शायद सीओ कभी आ ही नहीं सकता गोंदिया में, और उन्होंने ही मेरे प्रस्ताव को पास किए थे। मैंने प्रस्ताव रखी थी कि गोंदिया सुअर मुक्त हो, और मुझे बहुत इस बात का उत्साह था। जब मैं पार्षद बनी थी तभी से मैंने सोचा था कि गोंदिया सुअर मुक्त हो। तो आप पिछले कितने सालों से पार्षद हैं मैडम? 17 में 9 वर्षों से, और 9 वर्षों में मैंने कम से कम 10 बार ये प्रस्ताव रखा है गोंदिया में। लेकिन मैंने नगर परिषद में जब भी प्रस्ताव रखा हमेशा बोलते थे कि आगे बढ़ रहे हो लेकिन इसमें तुम्हारे जान को खतरा होगा। लेकिन मैं बिना डरे, मेरे को गोंदिया शहर मुक्त करना था, सुअर मुक्त, तो इसलिए मैंने ये प्रस्ताव हमेशा रखा और गुगे साहब के सामने प्रस्ताव पास भी हुआ। लेकिन जब गोंदिया में जब गुगे साहब ने प्रस्ताव पास कर दिए थे हमारा, तब मैंने ये टेंडर रखवाया। उन्होंने बोला कोई टेंडर भरने वाला क्या मैडम आपके पास है? तो मैंने टेंडर डलवाई उसके कोचे जी है गोरेगांव के, गोरेगांव से कोचे जी है, उनसे हमने बहुत मुश्किल से बहुत प्रयत्न करके एक एनजीओ ढूंढे, उन्होंने भरे प्रस्ताव हमारा। ये जो एनजीओ था ये किसका था मैडम? कोचे जी का था, जो गोरेगांव के। हाँ, फिर उन्होंने ये हमने वो टेंडर डलवाए, बहुत उत्साह था हमें। टेंडर जब हमारा डल गया था, पास भी हो गया था, जिस दिन टेंडर ओपन होने वाला था, ओपन भी हुआ कोचे के नाम से। फिर जिस दिन उनका वो लेटर लेना था, वो अब 7 दिन में गोंदिया डुक्कर सुअर मुक्त होना है, तो उनको उनके घर जाके गोंदिया के असामाजिक तत्व लोगों ने इतना डराया धमकाया उन्हें कि उन्होंने टेंडर यानी वो लेटर जो टेंडर का होता है वो लेने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। और अब वो गोंदिया सुअर मुक्त नहीं हो सकता जब तक गोंदिया वाले ही सुअर के लिए, गोंदिया के सुअर मालिक जो असामाजिक तत्व इनके, ये जब भी सामने आएंगे कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए इनके लिए गोंदिया से बाहर नासिक वगैरह तरफ से कभी टीम लाना चाहिए। मैंने प्रस्ताव में गोंदिया में जब वो सुअर मुक्त होने का टेंडर डाले थे तो हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी रखे थे। लेकिन आपका कहना ये है कि एनजीओ के मालक को गोंदिया के लोगों ने डराया? हाँ जी, बिल्कुल डराया उन्होंने, मुझे भी डराने की कोशिश की है। मेरे पास में उसका कुछ वीडियो भी था, पहले मैंने बना के रखा था। यहाँ के असामाजिक तत्व तो मेरे पास भी आए, लेकिन मैं बिंदास होके मैंने टेंडर डलवाया। लेकिन कोचे जी डर गए क्योंकि वो बाहर के थे और उन्होंने डराया, इसलिए गोंदिया वालों को नहीं, बाहर से टीम ला के गोंदिया को सुअर मुक्त जरूरी है कराना। गोंदिया शहर में काफ़ी समय से सुअरों का आतंक मचा हुआ है, इस विषय में हम पार्षद लोकेश कलिया से भी चर्चा करेंगे। सर, आपका नमस्कार। गोंदिया नगर पालिका क्षेत्र के अंदर में जितनी सुअरों के आतंक जो पूरे शहर में मचा हुआ है, ये अभी इस वर्ष से नहीं है, कई वर्षों से ये सुअरों का आतंक पूरे शहर में मचा हुआ है। जब मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष था तो उस पूर्व हमने नगर पालिका के द्वारा माननीय मुख्य अधिकारी इनके द्वारा कलेक्टर मैदान से आदेश निकाल कर हमने नासिक से टीम मंगाई थी। हमने उस टाइम जब नासिक की जब टीम आई थी तो रेगुलर
करीबन 700-800 सुअर हम रोज इस गोंडा नगर पालिका क्षेत्र से उठा रहे थे। उसके बाद से लेके अब तक के यहाँ पर सुअरों का एक भी जानवरों को यहाँ पर उठाया नहीं गया है। बारंबार मेरे नगर पालिका में लेटर देने के बावजूद भी कि सुअरों का आतंक पूरे शहर में मचा हुआ है, गंदगी का आलम पूरे शहर में सुअरों की वजह से मचा हुआ है, और उसके अलावा भी दुर्घटनाएं भी काफ़ी सारी हो रही है सुअरों को रास्ते पे चलते हुए, गाड़ी मोटर से ठोस लगते हुए। जब सुअर मर जाता है तो वो नगर पालिका उसको उठाती है, जिंदा रहता है तो जो मालिक है वो उसका रहता है। मैं बारंबार मुख्याधिकारी को मैंने इस माध्यम से लेटर दिया हूँ कि हमारा जो शहर है सुअर मुक्त होना चाहिए। इसके पूर्व भी टेंडर करीब 7-8 महीने पहले टेंडर उसका किया गया था। अपनी लेटर कहाँ कहाँ दिए थे? मैंने माननीय कलेक्टर में भी मैंने लेटर दिया हूँ, मैंने मुख्याधिकारी के साथ भी मैंने लेटर दिया हूँ, और बारम्बार मैं उनको लेटर देते रहता हूँ कि सुअर के विषय के लिए हमको एक्शन लेना चाहिए। सुअर शहर मुक्त, हमारा ये शहर सुअर मुक्त होना चाहिए, ऐसा मैं बारम्बार उनको लेटर देते हुए आया हूँ। लेकिन अभी तक के उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। क्या कारण है, किस कारण उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि टेंडर होने के बावजूद भी, टेंडर अलर्ट होने के बावजूद भी उस टेंडर को कैंसिल किया गया। ये किस माध्यम से कैंसिल किया गया तो मुझे अभी तक के समझ में नहीं आया है कि सुअर को नहीं उठाने का कारण क्या है। जो टेंडर जैसे कैंसिल किया गया नगर से, तो आपने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई थी? मैंने बिल्कुल माननीय मुख्याधिकारी साहब को ये बात को कही कि आपने जब टेंडर होने के बाद में, टेंडर अलर्ट होने के बाद में आपने इस टेंडर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उस टेंडर के ठेकेदारों को आपने ठेकेदार क्यों नहीं दिया। उन्होंने उसका कोई जवाब मुझे सुचारू रूप से दिया नहीं है। उसमें मेरे साथ में माननीय पार्षद निर्मला मिश्रा भी मेरे साथ में थी, जिन्होंने अपने लेटर मेटर के माध्यम से उन्होंने भी इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने की कोशिश की। आपने